Now in this particular video we are going to learn how to create an output structure. हमारे पास अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा डेटा है. Now उस डेटा को लेके हमें ऑब्वियसली एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे हम समझ पाए कि इन बोथ द ईयर्स हमारा कितना प्रॉफिट था. एंड देन वील सी हाउ यूजिंग पिवट टेबल एंड स्लाइसर्स वी कैन सी कि एक क्लाइंट ने या फिर क्लाइंट टाइप से मुझे किस क्लाइंट से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट से, कौन से मटीरियल से, कौन से ब्रांड से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ. ऑल दीज थिंग्स वील सी वंस वी क्रिएट अ प्रॉपर आउटपुट स्ट्रक्चर. नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच एनी FMCG producer or a selling company will consider is volume. तो volume हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है. ये हमने first class में भी discuss किया था. Volume, why volume is important? ताकि producer को पता रहे कि in future क्या उसे अपना volume increase करना है, decrease करना है, या फिर क्या उसे एक proper volume maintain करके आगे चलना है. So it is very important that we understand what is the volume which is being sold. तो हम लोग अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे. एंड दिस इज़ माय एक्सेल वर्कशीट. ये मेरा डेटा टैब था जहाँ पे मेरा सारा डेटा मैंने स्टोर किया था. फिर हमने प्रेलिमिनरी मैपिंग किया था अपने डेटा का. अब हम लोग बनाएंगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर. फॉर द स्ट्रक्चर वी विल स्टार्ट विथ वॉल्यूम. नाउ व्हाई वॉल्यूम? बिकॉज वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी आर डीलिंग विद एन FMCG कंपनी. Now we have 2 years, 2015 and 2016. So it's better कि हम लोग एक ही structure में दोनों years को अपने include कर दें. तो मैं एक year डालूँगी 2015 and एक year डालूँगी 2016. ठीक है, ये मेरा हो गया दोनों years जो मैंने यहाँ पर डाला है. The next thing which is of importance is the when you go to the data, the next thing which is important is obviously your gross sales. The next thing is important is gross sales. तो हम लोग अब क्या डाल देंगे अपने डेटा में? Gross sales income. Gross sales income डाल देंगे. Now this is the gross sales income which I have. Gross sales income से मैंने क्या बताया था? Discount हम less करते हैं and we reach the net sale जो मुझे as an FMCG producer finally मिलता है. In hand मुझे कितना मिलेगा? ठीक है, तो I'll give discount on this discounts. The next thing which I have is the net sales. तो next हो गया net sales figure. Next हो गया net sales figure. इसके बाद after net sales हम लोग क्या consider करेंगे? If you see next we have the cost of goods sold. हमारा कितना एक्सपेंस हुआ गुड्स को अपने तक लाने में एंड गुड्स को बेचने में. तो वो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा नेक्स्ट सेल्स के बाद. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज़ आर नेक्स्ट हेडिंग. नाउ नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट. व्हाई ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि अभी तक हमने इसका नेट प्रॉफिट फिगर नहीं निकाला है. नेट प्रॉफिट फिगर नहीं निकाला है का क्या मतलब है? कि ये हमारा ग्रॉस फिगर है. इसके बाद हमारे और भी बहुत एक्सपेंसेस आएंगे एंड उस एक्सपेंसेस को हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा टू रीच आर फाइनल प्रॉफिट फिगर. तो मैंने क्या क्या अभी तक किया है? मैंने ग्रॉस सेल्स डाले, माइनस डिस्काउंट करेंगे तो नेट सेल्स आ जाएगा. नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. बाई ग्रॉस प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से हमें अभी और भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं. तो दिस इज़ आर ग्रॉस फिगर. दिस इज द प्रॉफिट विच वील गेट बाई डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द नेट सेल्स इज द ग्रॉस फिगर. तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला. अब इसके बाद हम लोग क्या टेक इन अकाउंट करेंगे? ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग. तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? सबसे पहले वील टेक डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वील टेक वेयर हाउसिंग. अब ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आ रहा था उसमें से आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक आपका एक्सपेंस है. आपको वेयर हाउसिंग कॉस्ट डिडक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि वो भी एक आपके लिए कॉस्ट है. नाउ जनरली बहुत जगह आप लोग का अगर मन है आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग को साथ में लिख सकते हो, साथ में एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस
क्योंकि दीज आर द एक्सपेंसेस जो आपको ऑपरेशन में अपने देना पड़ रहा है. दिस इज़ मेड फॉर योर ऑपरेशन. अगर आप इसको नहीं इनकर करोगे तो आप अपना सेल्स पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे. सो इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं. वापस से वाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये आपके पूरे ऑपरेशन में मैंडेटरी है. अगर आप ये नहीं परफॉर्म करोगे तो आप अपना गुड्स नहीं बेच पाओगे. तो ये दोनों हो गया. इन दोनों को आप साथ में भी एज एन एक्सपेंस लिख सकते हो. फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा फाइनल प्रॉफिट फिगर. और इन केस ऑफ एफएमसीजी वी कॉल इट फुल डिलीवर्ड मार्जिन. क्यों इसको हम लोग फुल डिलीवर्ड मार्जिन बोलते हैं? क्योंकि हमें दिस इज़ द फुल प्रॉफिट विच वी आर अर्निंग आफ्टर वी हैव डिलीवर्ड आर गुड्स. वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे नेट सेल्स का जो फिगर है, सपोज हम लोग मैगी का जो एग्जांपल ले रहे थे, आई सोल्ड, या फिर इसी पर्टिकुलर में समझो पैटको कंपनी ने सपोज ये मटेरियल बेचा मेहता सुपरमार्केट्स को, एंड कितने में बेचा? व्हाट वाज द ग्रॉस फिगर? 170.8 वाज द ग्रॉस फिगर. पर उसमें से उसने डिस्काउंट कितना दिया? 3.1 का डिस्काउंट दिया. देखो डिस्काउंट वाला कॉलम पूरा माइनस में है. मैंने डिस्काउंट वाले कॉलम को एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग, इन चारों कॉलम्स को मैंने माइनस में लिखा है, एक माइनस साइन ऐड किया है. वाय? बिकॉज दीज ऑल रिप्रेजेंट अ कॉस्ट, अ कैश आउटफ्लो, नॉट इनफ्लो. तो ये हमने डिस्काउंट दिया अपने सेल्स में, एंड द फाइनल फिगर विच वी गेट इज़ द नेट सेल्स. तो बीइंग अ कंपनी पैटको, मुझे क्या मिलेगा? 167.7 मिलेगा. किससे? मेहता सुपरमार्केट से मिलेगा. मेरे एक्सपेंस क्या थे? मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मैंने खरीदा सामान वो, या फिर मैंने मैन्युफैक्चर किया बनाया, वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है. तो जब हम लोग नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्रॉस फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट. बाय ग्रॉस, क्योंकि अभी भी हमारा और एक्सपेंडिचर होना बचा है. क्या क्या बचा है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने गुड्स को, हम अपने वेयर हाउस से निकाल के मेहता सुपरमार्केट्स तक पहुँचाएंगे. सो दैट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अस. फिर वेयर हाउसिंग का, जो मैंने रखा था मटीरियल अपने पास अपने वेयर हाउस में, उसका भी कॉस्ट लगता है. तो ये दोनों कॉस्ट, ये जो दोनों जो एक्सपेंसेस हैं, ये दोनों को आप ऐड भी करके साथ में ले सकते हो, या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हो. एंड वंस यू कंसिडर दीज टू फिगर्स यू विल गेट द फुल डिलीवर्ड मार्जिन. इसको आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस. नाउ आई हैव रिटन फुल डिलीवर्ड मार्जिन. वाई? बिकॉज ये हमारा फुल मार्जिन. मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है कि मैंने कितना अर्न किया है ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इफ सपोज मेरा पूरा मिला के, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, सब मिला के मेरा गुड का प्राइस, मैं गुड का कॉस्ट आया 100 रुपीज़, मैंने बेचा उसको 110 में, तो मेरा जो फुल मार्जिन होगा जो मैंने कमाया, दैट इज 10 रुपीज़. सो दैट इज़ योर फुल डिलीवर्ड मार्जिन. तो यहाँ पे हम लोग, इसीलिए क्या मिलेगा हमें? ग्रॉस प्रॉफिट से बाकी सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करके जो फुल डिलीवर्ड मैंने डिलीवर कर दिया, उसके बाद क्या मेरा मार्जिन बच रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ योर आउटपुट. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल, जो हम लोग बनाएंगे अपने कमिंग वीडियोज़ में.